ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारों ये 4 दिन भी। ये कहना है फिराक गोरखपुर जी का। जी हाँ, जिंदगी 4 दिन की है तो क्या हुआ, हम इन 4 दिनों में भी इन फूलों की तरह मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आपका दोस्त आशीष स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल आशीष की बगिया में। दोस्तों, आप ये जो रंग बिरंगे लिलियम के पौधे देख रहे हैं, आज का वीडियो इन्हीं से संबंधित है। मेरे पिछले वीडियोस में कई सारे मेरे मित्र जानना चाह रहे थे कि मैं आखिर बल्ब कहाँ से मंगाता हूँ। तो आज मैंने कुछ ऑनलाइन बल्ब मंगाए थे, तो मैंने सोचा कि उसी पे वीडियो बनाया जाए। ये देखिए, बड़े सुंदर सुंदर फ्लावर आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन सब के बल्ब मैंने मंगाए हुए हैं। तो ये देखिए, बड़े हेल्दी बल्ब हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमने कुछ जो आपकी स्क्रीन पे दिखाए थे, ये बल्ब हमने एक ऑनलाइन सेलर हैं RK गार्डनिंग पॉइंट। दोस्तों, इनसे मैंने कुछ हयासिंथ के बल्ब, लिलियम के बल्ब, एशियाटिक लिलियम, कुछ ओरिएंटल लिलियम के बल्ब मंगाए थे। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के मुझे बल्ब इन्होंने भेजे हैं और मैं इनको कैसे ग्रो करूँगा, सब मैंने इस वीडियो में दिखाया है। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। आपने शुरुआत में देखा होगा, ये सारे यही कलर मैंने ऑर्डर किए हैं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाए। पैकिंग देखिए बहुत अच्छी है, ये काफ़ी अच्छे से इन्होंने पैक कर रखा है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक एक बल्ब को न्यूज़पेपर में रैप किया है, टेपिंग करी है और उसके ऊपर उसकी कोडिंग करी है। आप ये बल्ब देखिए, ये ओरिएंटल लिलियम का बल्ब है, वाइट कलर का, आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। कितना हेल्दी बल्ब इन्होंने भेजा है, रेडी टू ब्लूम है, बस इसे आप प्लांट कीजिए और फ्लावर कुछ दिन में लीजिए। तो ये कुछ हाइसिंथ के बल्ब हैं, मैंने 2 सेट मंगाए थे, मैं अभी खोल के दिखाता हूँ इनको भी। दोस्तों, RK गार्डनिंग पॉइंट एक काफ़ी विश्वसनीय सेलर है और आप इनके पास से अधिकतर तरह के बल्ब जो हैं मिल जाएंगे आपको इनके पास, चाहे आप विंटर्स के हों या फिर समर्स के हों। ये देखिए, आपको दूसरा दिखाता हूँ, ये येलो कलर का है, इसका भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अब ये एक नया वैरायटी आई है, ब्राइट जॉय, इसका भी मैंने बल्ब मंगाया है, इसका भी मैं दिखा रहा हूँ पिक्चर आपको स्क्रीन पे। ये पिंक कलर का है। ये देखिए दोस्तों, ये ट्रेंडी एक नया वैरायटी आई है, ट्रेंडी, उसको मैंने मंगाया है। साथ में देखिए दोस्तों, ये एक वाइट कलर का है, मैंने 2 सेट ऑर्डर किए थे, अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये एक और वैरायटी, इनको खोल के भी दिखाऊंगा मैं। ये रेड कलर का है। तो ये देखिए, ये मैंने ओपन किया, अब बल्ब देखिए कितने हेल्दी हैं। कुछ नहीं करना है, सीधे हमें प्लांट करना है। प्लांट करने के साथ ही कुछ दिनों बाद इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर आप बल्ब खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप जो मैंने आपको सेलर बताया है, आप उनसे बिना किसी डाउट के ले सकते हैं। ये देखिए, एक बल्ब और खोल के दिखाता हूँ मैं आपको, ये ओरिएंटल लिलियम का बल्ब है, पहले मैंने वाइट दिखाया था, ये पिंक कलर का है। अब ये देखिए, हाइसिंथ के बल्ब दिखाता हूँ मैं। आप इनको देखेंगे पहली बार तो आपको लगेगा ये प्याज है, लेकिन ये प्याज नहीं होते हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, इन्होंने अलग अलग कलर के, मैंने 4 कलर के ऑर्डर कर रखे हैं। तो ये पिंक कलर का है, बड़ी खूबसूरती से पिलू पैक कर रखा है इन्होंने, पिंक, ब्लू, रेड और ये वाइट, ये चारों मैंने मंगा रखा है। आप इनको देखिए, आप इनको देखेंगे तो आपको लगेगा ये जस्ट लाइक ओनियन है, प्याज है, बट लेकिन प्याज नहीं है, काफ़ी कॉस्टली प्याज है ये। ये देखिए, ये चारों बल्ब हैं आइसिंथ के और इनके फ्लावर मैंने आपको पहले भी दिखाया था, अभी भी दिखाता हूँ मैं। बड़े हेल्दी बल्ब भेजे इन्होंने। ये देखिए दोस्तों, आप बल्ब देखिए, मैंने आपको सारे बल्ब दिखा दिए खोल खोल के। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने पैकिंग की हुई है। ये देखिए सारे बल्ब इन्होंने, और मैं इनको जिस तरह से इन्होंने कोडिंग की है उसी तरह से इनको मैं लगाऊंगा। लिलियम के बल्ब हैं सारे, हाइसिंथ के बल्ब हैं, ओरिएंटल लिलियम है। अब चलिए दोस्तों, इनको लगाते हैं।
तो सबसे पहले बेसिक क्या है दोस्तों, हम ए करीबन 5 हिस्सा गार्डन सॉइल लेंगे। गार्डन सॉइल जितनी बढ़िया भुरभुरी हो उतना बेस्ट होता है। तो अब इसमें हम खाद मिलाएंगे, फुली डिकम्पोज गोबर की खाद या फिर आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये करीबन हमने 30% इसमें खाद मिला ली। अब हम बाकी 20% बालू या रेत मिलाएंगे, सैंड मिलाएंगे। आप बालू या जो रेत की मात्रा है उसको मिट्टी के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी बलुई मिट्टी है तो आप बालू की मात्रा कम कर सकते हैं। अब इसमें हम करीबन 2 मुट्ठी आप पॉट के हिसाब से उसमें नीम की खली मिलाएंगे, थोड़ा सा फंगीसाइड मिलाएंगे, सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों इनको मैं एक प्लास्टिक के पॉट में लगाने जा रहा हूँ, ये 6 इंच के पॉट हैं। तो कोई भी पॉट आप सेलेक्ट करें, उनके ड्रेनेज होल अगर बंद हैं तो उन्हें अवश्य खोल दीजिए। ये देखिए ये ड्रेनेज होल थे, इनको मैंने खोल दिया है। अब इनको कवर करने के लिए हम यूज़ करेंगे दिवाली के बचे हुए हमारे पुराने दिए, इनको तोड़ लेते हैं और जो भी ये ड्रेनेज होल हैं इनको इससे कवर कर देते हैं। इससे क्या होगा, मिट्टी बाहर नहीं जाएगी, केवल पानी निकल जाएगा। और जो हमारा मिक्सचर है सॉइल मिक्सचर, इसको अच्छी तरह से भरेंगे, ये देखिए दोस्तों, और इसको इस तरह मुट्ठी बांध के या किसी चीज़ से अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। इस तरह प्रेस करने से फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, कि जो भी एयर के गैप्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जो भी एयर के बबल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे भरना है आपको और कैसे लगाना है। तो हमने क्या किया है, हमने अलग अलग कलर के मंगा रखे थे बल्ब, उनको अलग अलग पॉट में लगाएंगे और उनके हमने उनमें नाम भी लिख दिए हैं। तो देखिए ये ओरिएंटल लिलियम का पहला बल्ब, हमने जगह बनाई और उसको फिक्स कर दिया और अगल बगल से उसमें जो हमारा पॉटिंग सॉइल है उसको भर दिया और उसको हाथ से प्रेस कर दिया। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका है लगाने का। लोग पूछते हैं कैसे लगाना है, तो इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। बाकी ये इन्हें कैसे भी आप लगाइए, आराम से ग्रो हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ग्रो हैं। ये देखिए दोस्तों, बस इन्हें रूट्स इनको मिट्टी से पकड़नी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये हाइसिंथ रेड कलर का है, इसको भी मैंने जगह बनाया, पॉट को भरा मिट्टी से और थोड़ी सी जगह बना के इसको रख दिया, ज़्यादा गहराई पर नहीं रखना है और ऊपर से इसे हल्के हाथों से कवर कर दिया। इस तरह गमला हिला देने से भी जो है जो भी गैप्स हैं एयर गैप्स वो ख़त्म आते हैं। ये हाइसिंथ ब्लू है तो इसको भी लगा देता हूँ मैं। इसी तरह एक एक करके हम सारे बल्ब लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, आपकी जो भी सॉइल हो ना, वेल ड्रेन सॉइल हो, गमले का ड्रेनेज बिल्कुल सही हो तो बेस्ट रहता है। किसी भी तरह का आप पॉट है आपका, लेकिन अगर आप ड्रेनेज का ध्यान रखते हैं तो आप अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे। ये देखिए सारे बल्ब मैंने लगा दिए हैं। अब इनको पहली बार हम इनमें अच्छी तरह से वाटरिंग करेंगे। ये देखिए मैं वाटरिंग कर देता हूँ, और वाटरिंग करने के बाद इनको हम 3 से 4 दिन कम से कम इनको हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ इन्हें सिर्फ सुबह की धूप मिल सके, 1-2 घंटे की वो सफिशियंट है। तो 4-5 दिन के बाद हम इन्हें फुल सनलाइट में शिफ्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इनको आप पहली बार रोज़ वाटरिंग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इनमें नमी रहेगी। और उम्मीद है दोस्तों आपको आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल आशीष की बगिया सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जो भी आपके शौकीन मित्र हैं बागवानी के उनके बीच शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।